वेलकम क्लास 12B। लास्ट चैन पे हम लोग ने लीनियर मैग्नीफिकेशन हेडिंग देखी थी। अब हम लोग को रिफ्रैक्शन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने से क्या होता है, रेज बेंड कर जाती है। तो इसी को ही हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का रीज़न क्या होता है, रेज क्यों बेंड हो जाती है, क्यों अपने पाथ से जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। एक्चुअली एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने पर लाइट की जो स्पीड होती है वो बदलती रहती है, और जब स्पीड बदलती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेज बेंड कर जाती है। तो रेज के बेंड होने का रीज़न क्या हुआ, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अब अगली हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मैं इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट की वैक्यूम में या एयर में स्पीड को अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो ले लें, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर्मूला स्मॉल एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, स्मॉल एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट जो, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। ठीक है, अब हमने देखना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अगर लाइट की दो अलग 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 मीडियम है, इसमें कोई मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, एक दो मीडियम है, सपोज़ के जैसे एक मैं वाटर ले ले रहा हूँ और एक ग्लास ले ले रहा हूँ, तो वाटर में स्पीड लाइट की स्पीड और ग्लास में लाइट की स्पीड का जो रेशियो होगा उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, यानी फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशियो होगा वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो वन एंड टू का मतलब क्या है, जो बेस में लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। विथ रिस्पेक्ट टू वन का मतलब ये हुआ कि रेस फर्स्ट मीडियम से चल रही हैं, तो ये भी एक रेशियो के टर्म में इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है ना, और फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जानते हैं, इसमें दो लॉज हैं। पहला तो है कि इंसिडेंट रे, ये AO इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, और सेकंड लॉ जो है जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडियम, यानी साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जिसको हम वन एंड टू भी लिख सकते हैं, और वन एंड टू को एन टू बाई एन वन भी लिख देते हैं। अब चिल्ड्रेन, यहाँ तक की चीज़ें कम पूछी जाती हैं, लेकिन पूछी नहीं जाती ये नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ये बताया गया है कि अगर कोई लाइट रे है बच्चों अपने पाथ में, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के लिए, यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस दिखा रखा है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है,
मैंने सपोज कर लिया है कि फर्स्ट मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम वाटर है। यहाँ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन ओ एन डैश, और मैंने एक रे को इस पे इंसिडेंट किया है ओ पॉइंट पर, ये ए ओ इंसिडेंट रे है। और एयर टू वाटर जा रही है तो डेफिनेटली नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और अगर रिफ्रैक्टेड रे के पाथ में अगर मैं एक प्लेन मिरर रख दूँ और प्लेन मिरर पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है अगर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही हो तो ये रेज अपने पाथ को रीट्रेस करती है, यानी जिस रास्ते आई थी रेज उसी रास्ते वापस चली जाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ कि इफ द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड आफ्टर सफरिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बार रिफ्रैक्शन दिखाया और एक बार मिरर से रिफ्लेक्शन दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कई बार रिफ्लेक्शन या कई बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो भी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इज रिवर्स्ड आफ्टर सफरिंग ए नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शन, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। अगर किसी लाइट रे का मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो रेज अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, तो इसी डायग्राम को मैंने नेक्स्ट पेज पे बना रखा है, इसको ज़रा समझिएगा। देखिए, व्हेन एओ को अगर हम इंसिडेंट ले लें और ओबी को रिफ्रैक्टेड रे ले लें, व्हेन एओ इज द इंसिडेंट रे, एओ इज द इंसिडेंट रे एंड ओबी is the refracted ray, then अगर air to water जा रही है तो मैं a n w लिख दे रहा हूँ, a n w क्या हो जाएगा Snell's law से sin i upon sin r। लेकिन ये जो refracted ray है अगर ये plane mirror पे perpendicular incident हो रही है, if refracted ray OB, if refracted ray OB is perpendicular on a plane mirror M, on a plane mirror M, then जो rays reflect होगी बेटा, तो reflected ray जो BO जो होगा ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। देन फॉर आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन बाय स्नेल्स लॉ, अगर मैं दोबारा स्नेल्स लॉ लगा दूं तो अब वाटर टू एयर जा रही है रेस, तो डब्ल्यू एन ए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी आर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन वन और टू को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला आ गया ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर
कई मीडियम हो, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले को हम लोग चेंज कर देते हैं, इससे पहले रेस फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाएंगे तो वन एंड टू, फिर सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो टू एंड थ्री, फिर थर्ड अगर सपोज कर लीजिए कि फोर मीडियम, जैसे कोई फोर्थ मीडियम है तो ये थ्री एंड फोर। तो जिससे स्टार्ट किया है आखिरी में उसी मीडियम को फिर लिख देते हैं, हमेशा जिससे स्टार्ट करेंगे उसी को आखिरी में, सबका प्रोडक्ट जो है वो वन होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में वन एंड टू इंटू टू एंड थ्री इंटू थ्री एंड फोर इंटू फोर एंड वन इज इक्वल टू वन।